नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं CTTV 24 न्यूज चैनल। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारी का कवायद शुरू हो गया। बताते चले कि इस वर्ष होने वाले दीपोत्सव बेहद खास स्वरूप में दिखाई देगा। बता दें कि अयोध्या शहर में GIC मैदान में कल यानी 28 अक्टूबर को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 3 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए नगर निगम के द्वारा इस पूरे मेले को लगाए जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसमें सैकड़ों दुकानदार अपनी सामानों की बिक्री करेंगे। वहीं अयोध्या नगर के महापौर ऋषिकेश उपाध्यक्ष ने कहा कि CM योगी के निर्देश पर दीपोत्सव से पहले दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपोत्सव मेला चलेगा। शहर के GIC ग्राउंड में दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा दीपोत्सव मेला लगवाया जा रहा है। बता दें कि इस मेले में पटरी दुकानदार भी दीप महोत्सव में अपनी दुकान लगाएंगे। उन्होंने कहा कि कुम्हार भी अपना स्टॉल लगाएंगे। दिवाली संबंधित सामानों की बिक्री होगी और भी कई विभागों के स्टॉल लगेंगे। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जैसे मैजिक शो ऑफ नुक्कड़ नाटक, कठपुतलियाँ, स्थानीय लोक गायक समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। निशुल्क मेले में प्रवेश होगा। बता दें कि महापौर ऋषिकेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या की गलियों को रिपेयर करने के लिए शासन ने 34 करोड़ रुपए दिया है। नगर निगम विस्तारित 41 गांव के लिए 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। फैजाबाद जोन के 45 वार्डों के लिए शासन को 74 करोड़ का DPR भेजा गया। देखिए रामा सिंह की यह रिपोर्ट। खुशहाली होगी तो हम लोग जो मलिन बस्तियों में, जो गरीब बस्ती, वहां पर दिया तेल बाती मिष्ठान का वितरण कई वर्षों जब से दीपोत्सव शुरू हुआ करते हैं, इस बार भी उसको करेंगे। ये तो शहादतगंज से लेके हमने पूरा झालर यहाँ से लेके लगवाया पूरा शहर तक। जो भी मैंने दिवाली में दिवाली मनाने का उत्साह है, कोई क्षेत्र वंचित नहीं रहेगा। बताए जो हमारे पौराणिक 108 कुंड हैं, उन सबको लेते हुए सब किया जाए। हाँ भी जो भी पौराणिक ऐतिहासिक या चौराहे वहाँ पर दिवाली मनाई।